हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये रीजनिंग पज़ल पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख पाएंगे, है ना। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के पेपर जाते हैं आपके, SBI मेन लिए भी, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाने लगे, तो मेनली जो SBI मैं जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पिछले साल तक आ रहे हैं उस टाइप से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन प्री मेंस दोनों के लिए ही एलिजिबल रहेंगे, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखें। और फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स रहेंगे PO IBPS PO IBPS क्लर्क, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं और आप फर्स्ट पार्ट से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप से पूरे पार्ट देखें, आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पार्ट 5 है, मैं इसका कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिया है मैंने पज़ल, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, पज़ल जो है बहुत बड़ा रोल है, बहुत डिफिकल्टी जाती है लोगों को सॉल्व करने में, तो मैं आपको वे बताऊँगा कि आखिर सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 7 पीपल हैं, मतलब 7 लोग हैं, NKTBMW एंड R। अब वो हैव देयर वीकली ऑफ्स, ठीक है, उनकी छुट्टी है, एंड डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, ठीक है, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, इसी ऑर्डर में हो। अब इनमें से कुछ लोग जो है फूड लाइक करते हैं, जैसे कि इंडियन है, इटालियन है, मैक्सिकन है, चाइनीज, स्पेनिश, कॉन्टिनेंटल एंड थाई, इस टाइप से खाना उनको पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि हमको कितनी टेबल बनानी है। सबसे पहले तो पर्सन्स की टेबल बनानी है, ठीक है, तो हम टेबल बना लेंगे। एक पर्सन हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका क्या, फूड, और तीसरा क्या हो गया, वीकली ऑफ जो है तो डे ऑफ। ठीक है, चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर पाएंगे, है ना, आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लिया हमने। अब क्या होगा कि डिवाइड करने से क्या रहता है, इजीली आप मतलब समझ सकते हैं कि हमको आखिर मतलब लिखना कैसे है, टेबल अच्छी बन जाती है उससे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सबके नाम, NKTBMW और R। ठीक है, ये हमने क्या किया, नाम लिख लिया। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं, चलिए क्या यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ से पढ़ते हैं। के लाइक्स थाई, के कहाँ है हमारा, के है यहाँ, ये पसंद करता है थाई फूड, लिख लिया हमने थाई फूड। एंड गेट्स हिज वीकली ऑफ ऑन थर्सडे, ठीक है, यानी कि गुरुवार को उसको मिलता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया क्या कि थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को इसका ऑफ है। चलिए ये हो गया आपका हमारा, अगला पढ़ते हैं, है ना। बी लाइक्स इटालियन फूड, अब जो बी है उसको इटालियन पसंद है, तो बी का हमारा इसको लिख लेते हैं, इटालियन पसंद है। एंड डज नॉट हैव देयर ऑफ इन संडे, तो इसके सामने यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, संडे को इसका ऑफ नहीं है। ठीक है, एम हैज़ वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, एम जो है इसका वीकली ऑफ कहाँ है, कब है, सैटरडे, शनिवार को। एंड आर हैज़ इज वीकली ऑफ ऑन ट्यूजडे, अब आर जो है इसका कब है, ट्यूजडे को है। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे, जो जो मिलता जाएगा हम लिखते जाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड, अब डब्ल्यू कहाँ है हमारा, डब्ल्यू ए है इसको है कॉन्टिनेंटल फूड। ठीक है, मिल गया कॉन्टिनेंटल फूड। ठीक है, ये हो गया। अब वेयर इज द वन हु हैज़ वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक्स मैक्सिकन, अब जिसका वीकली ऑफ मंडे को है, ठीक है, उसको कौन सा फूड पसंद है, उसको पसंद है मैक्सिकन। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, ये हमको एक मिल गया, है ना। टी डज नॉट लाइक स्पेनिश, अब टी कहाँ है, टी है ना, जो टी है उसको क्या है, जो टी था उसको वो पसंद नहीं है, क्या नहीं है पसंद, टी को पसंद नहीं है आपका स्पेनिश, तो टी जो है टी को पसंद नहीं है क्या आपका स्पेनिश, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए टी को क्या पसंद नहीं है, स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश पसंद नहीं है। और वीकली एंड हैज़ वीकली ऑफ ऑन
वेडनेसडे, ठीक है, तो जो टी है इसका वीकली ऑफ कब हो गया, वेडनेसडे, ठीक, टी का वेडनेसडे हो गया। द वन हु लाइक्स इंडियन फूड डज नॉट हैव एन वीकली ऑफ एंड ट्यूजडे, अब जिसको इंडियन पसंद है उसका वीकली ऑफ ट्यूजडे नहीं है, ठीक है, ट्यूजडे नहीं है और वेडनेसडे भी नहीं है, यानी कि टी जो है ट्यूजडे नहीं है, मतलब देखिए ट्यूजडे नहीं है, बनी सी बात है ट्यूजडे हो ही नहीं सकता, यानी कि ये आर जो है ये इसको मतलब जो ट्यूजडे है तो ये मतलब इंडियन फूड नहीं खा रहा है आर, ठीक है आपका, और वेडनेसडे भी नहीं हो सकता, यानी कि टी भी इंडियन फूड नहीं खा रहा है, तो ये भी इंडियन नहीं खा रहा है, आर भी इंडियन नहीं खा रहा है, बचा क्या एम और एन बचा हुआ है, एम और एन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इतना एक बार पढ़ने में मिला, अब हम जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो हमको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए कैसे, टी जो है इंडियन नहीं खा रहा है ना, अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या हो चुका है। अब टी के बारे में पता लगाते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, इंडियन वो नहीं खा रहा है, इटालियन हो गया है, ठीक है, मैक्सिकन बचा हुआ है, ठीक है, अब मैक्सिकन बचा हुआ है, लेकिन मैक्सिकन कौन खा रहा है जिसका मंडे को छुट्टी है, लेकिन टी तो है वेडनेसडे को, यानी कि मैक्सिकन भी खत्म हो गया, चाइनीज बचा हुआ है और स्पेनिश, तो देखिए स्पेनिश तो आपका हो चुका है, हाँ ये देखिए टी का दिया हुआ है कि टी को स्पेनिश पसंद है ना, तो टी का क्या हो गया यहाँ पे, हो गया स्पेनिश, टी का स्पेनिश हो गया। अब बचा है आर, आर इंडियन नहीं खा सकता, अब आर का चेक करते हैं, देखिए इंडियन आर खा नहीं सकता, इटालियन हो गया है, ठीक है, मैक्सिकन नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि मैक्सिकन जो है मंडे वाला खाएगा तो मैक्सिकन भी नहीं खा सकता, चाइनीज़ खा सकता है अभी पता नहीं, लेकिन स्पेनिश नहीं खा सकता, कॉन्टिनेंटल भी नहीं खा सकता है ना, और थाई भी नहीं खा सकता, तो आर क्या खाएगा आपका, आर जो है आर आप देखिए एक मिनट, कुछ शायद गलती हो रही है, टी डज नॉट लाइक स्पेनिश, ठीक है सॉरी, ये टी जो है स्पेनिश नहीं खाएगा है ना, ये थोड़ी गलती हो गई, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये क्रॉस लगाना था, ठीक है, टी क्या है स्पेनिश नहीं खाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए देखिए टी है इंडियन नहीं खाएगा, ठीक है, इटालियन हो चुका है नहीं खाएगा, मैक्सिकन नहीं खा सकता क्योंकि मंडे वाला मैक्सिकन खाएगा, चाइनीज है ना, चाइनीज खा सकता है वो, स्पेनिश नहीं खा सकता, कॉन्टिनेंटल भी आपका नहीं खा सकता क्योंकि डब्लू खा रहा है, और थाई भी नहीं खा सकता क्योंकि, तो जो टी है टी खाएगा आपका चाइनीज, क्या खाएगा टी, टी आपका खाएगा चाइनीज, ठीक, तो ये टी खाएगा आपका चाइनीज। अब हम चेक करते हैं आर, आर का चेक कर रहे थे, आर जो कि ट्यूजडे ऑफ है, आर इंडियन नहीं खाएगा, आर क्यों नहीं खाएगा इंडियन, क्योंकि इस लाइन में लिखी हुई है कि जो इंडियन फूड जिस डज नॉट हैव वीकली ट्यूजडे और वेडनेसडे, मतलब जो इंडियन खाएगा उसका ट्यूजडे और वेडनेसडे को ऑफ नहीं रहेगा, तो इंडियन नहीं खा सकता, इटालियन हो चुका है, मैक्सिकन क्या खा सकता है वो, मैक्सिकन भी नहीं खा सकता क्योंकि मंडे वाला मैक्सिकन खाएगा और ये ट्यूजडे वाला है, तो आपका मैक्सिकन भी चला गया, चाइनीज अभी हमने किया टी खा चुका है चाइनीज, तो ये भी नहीं खाएगा, स्पेनिश खा सकता है वो, स्पेनिश खा सकता है, अभी देखते हैं, कॉन्टिनेंटल नहीं खा सकता, थाई नहीं खा सकता, तो जो आर है वो खाएगा आपका क्या, स्पेनिश, ठीक, स्पेनिश खाएगा। अब बच गया हमारे पास एम और एन, ठीक है, अब जो एन है, एम है ना, अब देखिए जो अगर इंडियन का क्या दिया हुआ था, अगर देखते हैं कि हु लाइक्स इंडियन फूड डज नॉट हैव ट्यूजडे और वेडनेसडे को छुट्टी, ठीक है, तो ट्यूजडे को हो नहीं सकता, वेडनेसडे को हो नहीं सकता, थर्सडे हो चुका है, सैटरडे बचा हुआ है और संडे बचा हुआ है, ठीक है, तो अगर या तो वो होगा कौन सा, संडे वाला जो इंडियन होगा, या तो होगा वो संडे है ना, संडे क्यों हो सकता है, क्योंकि संडे इसने क्या बोला, ट्यूजडे और वेडनेसडे नहीं हो सकता, और आपका थर्सडे हो चुका है, सैटरडे हो चुका है, और देखिए क्या क्या हो चुका है लिख लेते हैं, सैटरडे हो चुका है ना, ट्यूजडे होगा नहीं, वेडनेसडे होगा नहीं, तो ये भी हो चुका है आपका, और थर्सडे भी हो चुका है, चार हो गए, बचे क्या आपके पास, बचा है मंडे, तो मंडे भी नहीं हो सकता, क्यों, मंडे वाला मैक्सिकन खा रहा है, तो मंडे भी गया, तो एक दो तीन चार पाँच हो गया, बचा क्या है, संडे बचा हुआ है ना, और क्या बचा हुआ है, सैटरडे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, सैटरडे, ठीक है, तो अब संडे और सैटरडे में हमको देखना पड़ेगा है ना, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ से के का हो चुका है, ठीक है,
वी लाइक इटालियन फूड डज नॉट हैव ऑफ एन संडे, ठीक है, वी का संडे को ऑफ नहीं है, एम हैज़ वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, ठीक है। अब जो एम है, एम का जो है वीकली ऑफ कब है, सैटरडे, सैटरडे को है एम का वीकली ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो सैटरडे हो सकता है, ठीक है। चलिए, आर हैज़ वीकली ऑफ ऑन ट्यूजडे, ठीक है, यानी कि आर तो इंडियन खाएगा नहीं, आर इंडियन खाएगा नहीं, स्पेनिश खा रहा है ना, ये हो गया। तो देखिए, अब हम मान ले, है ना, हम मान लेते हैं कि जो आपका क्या बोलना चाहिए, जो एम है, अगर ये एन है, मान लीजिए एन अगर इंडियन खाता है, ठीक है, एन अगर इंडियन खाता है तो एम क्या खाएगा, एम क्या खाएगा फिर, अगर एन इंडियन खाएगा तो एम खाएगा फिर मैक्सिकन, ठीक है। लेकिन एम मैक्सिकन नहीं खा सकता, क्यों नहीं खा सकता एम मैक्सिकन की, क्योंकि जो मैक्सिकन खाएगा उसका मंडे को ऑफ है ना, तो एम क्या है, एम का तो सैटरडे ऑफ है, यही डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ बची हुई है, एक एन और एम, तो अगर एम को हम देते हैं कि भाई आप खाइए मैक्सिकन, तो वो खा नहीं सकता ना मैक्सिकन, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मंडे जिसका ऑफ है वही आपका मैक्सिकन खा सकता है, ठीक है। तो इससे ये डिफाइन हो गया कि एम जो है वो इंडियन ही खा रहा है। अब एक क्या बचा, एन, तो एन क्या खाएगा, मैक्सिकन, और एम मैक्सिकन कौन खा रहा है, जिसका मंडे को ऑफ है ना, तो ये मंडे को ऑफ हो गया। अब बच गया सिर्फ क्या, बच गया आपका ये बी, बी का बचा हुआ है, बी जो इटालियन खा रहा है, बी जो इटालियन खा रहा है, अब उसकी किस दिन की छुट्टी है। तो अब देखिए, बी जो इटालियन खा रहा है उसकी छुट्टी संडे को नहीं है भाई, संडे को नहीं है, तो बचा क्या है हमारे पास, बस बी बचा हुआ है और हमको डब्लू का पता करना है। तो जब बी का संडे को है नहीं, बी का संडे को है नहीं, तो डब्लू का संडे को छुट्टी रहेगा ना, बी का है नहीं, दो लोग बचे हैं, बी का संडे को हो नहीं सकता, तो डब्लू का संडे को होगा, है ना। अब लास्ट वाला क्या बच गया, बी, तो बी का क्या, बस फ्राइडे बचा हुआ है, तो बी का हो जाएगा फ्राइडे, बस इस टाइप से सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल है। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको लिखते जाइए, जो नहीं, जो भी कुछ बता रहा है, तो थोड़ी सी लॉजिकल, जैसे यहाँ पे लॉजिकल क्या फंसे थे हम, एक एम और एन में फंसे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडियन जो था वो सैटरडे को खा रहा था, ये हमको कहीं से पता नहीं था, लेकिन इतना हमको पता था कि एम और एन में से कोई एक होगा, तो अगर हम एन को खिला रहे थे तो क्या हो जाता, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी ना कि अगर एन को हम इंडियन खाना दे रहे थे और फिर इसको हम दे देते मैक्सिकन, तो मैक्सिकन वाला सैटरडे को खा ही नहीं रहा था, मैक्सिकन वाला तो मंडे को खा रहा था, इससे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए 10 से 12 मिनट लग गए, वहाँ तो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन तो करना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे, और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 मिनट में भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस, ओनली अबाउट द प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना। चलिए, अब इसके 5 क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। कैसे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, पूछ लेगा कि भैया जो चाइनीज खा रहा है वो किस दिन खा रहा है, तो चाइनीज वेडनेसडे को खा रहा है। फिर पूछ लेगा फ्राइडे को कौन खा रहा है भाई, तो फ्राइडे को बी खा रहा है। फिर पूछ लेगा यार कि सैटरडे को किसका ऑफ है, तो सैटरडे को भाई एम का ऑफ है। फिर पूछ लेगा भाई स्पेनिश कौन खाता है, तो स्पेनिश आर खाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने ये चार्ट बना लिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं जाती, है ना। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इस पेज से आप क्या देख सकते हैं कि पजल पार्ट 4 देख पाएंगे आप इस लिंक पर क्लिक करके, और इस लिंक पर क्लिक करके आप पजल पार्ट 6 भी देख पाएंगे। जैसे ही मैं 6 अपलोड करूंगा तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अभी आप पार्ट 4 देख पाएंगे, और जैसे ही पार्ट 6 अपलोड होगा तो इसकी आप लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और आप ये भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक अपलोड कर चुका हूँ, आप इनको देखें, और फिर जल्द ही पार्ट 6 आएगा तो आप उसको भी देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralive, इसको भी लाइक करें। फेसबुक पे भी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह देता रहता हूँ, है ना, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। ओके, चलिए, थैंक यू।